हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि शीतू आई हुई है और शीतू यहाँ नहीं थी तो मैंने कुछ भी इतना खास नहीं किया था, सिल्वर बटन अनबॉक्स नहीं किया था। जो सिल्वर बटन आ गया है उसके लिए भी मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। प्लस मेरा बर्थडे वो सेलिब्रेट करेंगे, हम लोग शॉपिंग करने जाएंगे। आप लोगों ने मुझसे बहुत सारे सवाल किए हैं जिसके मैं रिप्लाई ये ब्लॉग में देती रहूंगी। हेयर केयर के बारे में हम बात करेंगे और पता नहीं मैं बहुत सारी चीजें भूल रही हूँ, मुझे इतना याद नहीं आ रहा, बट आज का ब्लॉग मिस करने जैसा बिल्कुल नहीं। ये सारी चीजें हम करेंगे आज। अब मैं रेडी हुई हूँ क्योंकि मैं एक ऐसा शॉर्ट्स शूट कर रही हूँ जिसमें मैं वो सारी चीजें करूंगी जो मैं रेगुलरली, मतलब नॉर्मली मैं नहीं, नॉर्मली क्या, मैं वो करती नहीं हूँ। तो वो सारी चीजें यूज करके मैं देखूंगी कि मेरा लुक कैसा आता है। तो वो वाला शॉर्ट्स अगर आपको देखना है तो शॉर्ट्स में जाके देखना क्योंकि वो व्लॉग में नहीं होगा। और अभी स्टार्ट करने से पहले हम चलते हैं किचन। तो ये आ गई है ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजीज, ग्रेप्स, वाटरमेलन, बनाना बुरी। तो वेजीज सारे लवली ने रख दिए, मैंने सब चेंज वेंज कर लिया। अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरा बेक्ड पास्ता। तो आप लोगों ने जो जो मुझसे क्वेश्चंस किए थे उसके रिप्लाइज देना स्टार्ट करते हैं। आज भी देंगे, कल भी व्लॉग है ये वाला, तो कल भी बहुत सारी बातें करेंगे। कल तो बहुत सारी जगहों पे भी जाना है, आज भी बहुत सारी जगहों पे जाना है। स्टार्ट करते हैं। आपने मुझसे पूछा है, एक तो ये क्वेश्चन है कि मैं कौन सा शैम्पू यूज करती हूँ जिससे हेयर ग्रोथ होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, शैम्पू से हेयर ग्रोथ नहीं होती है। मैं बताती हूँ मैं कौन सा शैम्पू यूज करती हूँ, बट ये भी आपको बता दूं कि शैम्पू से हेयर ग्रोथ नहीं होती है, बट शैम्पू बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। वो इसलिए कि शैम्पू से जो आपका हेयर है वो ज्यादा ड्राई नहीं हो जाए या तो ज्यादा ऑयली नहीं, उसका पीएच बैलेंस नहीं बिगड़े। तो शैम्पू का माइल्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको कभी क्लैरिफाइंग शैम्पू यूज करना है, आपको कभी कौन सा शैम्पू यूज करना है, वो आपके बालों के नेचर पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। मैं बहुत ज्यादा शैम्पूज चेंज करती हूँ और मुझे पता है ये इतनी अच्छी आदत नहीं है, लेकिन एक ही शैम्पू बहुत लॉन्ग टर्म यूज़ करना भी सही नहीं होता और इतनी जल्दी जल्दी चेंज करना भी सही नहीं होता। लेकिन आप लोगों के लिए ये चीज़ अच्छी है कि मैंने इतने सारे शैम्पूस चेंज किए, क्योंकि आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोग कौन सा शैम्पू यूज़ कर रहे हो तो मैं आपको रिव्यू दे सकती हूँ कि वो अच्छा है या नहीं है, या मैंने यूज़ नहीं किया है, वॉट एवर। रॉन्ग गाइड तो मैं नहीं करूँगी, इससे ही आपको पता चलेगा कि आप ये सोच कर देखिए कि मुझे कितने ऑफर्स आते होंगे हेयर के प्रोडक्ट्स के लिए। लेकिन मैंने आज तक एक भी प्रोडक्ट कोई भी एंडोर्स नहीं किया है। वो इसलिए क्योंकि जो चीज़ मुझे सही नहीं लगी है या तो जो चीज़ मैंने यूज़ ही नहीं की है उससे मैं बताऊं और मेरे ट्रस्ट पे आप लोग वो यूज़ करो और आप लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़े, आपका पैसा वेस्ट हो या तो आप लोगों को कुछ खराब उसका असर हो, तो इससे अच्छा मैं ऐसी चीज़ें करती ही नहीं हूँ। तो मुझे कितना भी ऑफर हो, कुछ भी हो, मैंने कभी भी हेयर का या ऐसी चीज़ मैंने नहीं की है जो मैंने खुद ही यूज़ नहीं किया है। तो ऑब्वियसली अभी भी मैं आपको कुछ भी रॉन्ग गाइड नहीं करूँगी। तो फिलहाल मैं यूज़ कर रही हूँ मोरोकन, उससे पहले मैं कैरास्टस यूज़ कर रही थी और मैंने बहुत सारे हर्बल शैम्पूस भी यूज़ किए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कॉमेंट्स में आप मुझे मुझे बताना लिखकर, मैं बताऊँगी कि अच्छा है या नहीं है। और आप लोगों ने मुझसे एक और पूछा था कि आप बालों में क्या लगाते हो, तो क्या लगाते हो भी, मैं बहुत सारे हेयर पैक्स, मास्क, वो सब बहुत लगाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन मैं खुद ही बनाती हूँ। अब ये वाला व्लॉग तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं इसमें आपको एक एक बनाकर बताऊँ, लेकिन मैं जब जब जो बनाऊँगी अब से मैं हर वीडियो में मैं वो पोस्ट कर दिया करूँगी कि ये मैंने आज बनाया और लगाया। और मैं मार्केट में जो बने बनाए मास्क आते हैं, जो हेयर पैक्स आते हैं, वो मैं कभी भी यूज़ नहीं करती हूँ, मैं अपने बनाए हुए ही यूज़ करती हूँ। और जो भी बनाती हूँ मैं नेक्स्ट टाइम से आप लोगों को बता दूँगी। एक मैं आपको मेरी फ्रेंड से मिलाती हूँ, ये देखो, हाय। तो वो सामने बैठ के सुन रहे हैं कि मैं क्या क्या बोल रही हूँ। हाय। फ्लैक्सीड्स होता है और राइस वाटर होते हैं, ये सारी चीज़ों को भी बहुत ही गलत तरीके से लोग लगा रहे हैं आजकल सोशल मीडिया पे, मैंने देखा है। तो मैं जैसे बनाती हूँ मैं वैसा पोस्ट कर दूंगी और उसका बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। आई एम श्योर आप लोग यूज़ करोगे तो आपको पता ही चल जाएगा कि कैसा आता है। और हेयरफॉल के लिए आप लोगों का बहुत सारे मुझे आते हैं, तो हेयरफॉल के लिए मैं आपको एक तो ऑयल है वो मैंने पोस्ट भी किया हुआ है, और भी एक हेयरफॉल का ऑयल होता है वो भी मैं जल्दी बनाऊंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी। और एक जूस होता है जो अभी लवली बना रही है किचन में, एक मैं आपको वो जूस बता दूं कि वो क्या क्या उसमें डालती है। उसके बाद में मेरा वॉफल भी बन रहा है वो खाऊंगी, पहले मैं आपको जूस बताती हूँ। यहाँ पे लवली बना रही है ग्रीन जूस, ये सेलेरी, आंवला, फ्रेश टर्मरिक और वो जिंजर, हल्दी है और जिंजर है।
तो 5 दिन ऐसे महीने में ऐसे कुछ बनाते हैं, है ना? 5 दिन 7 दिन ऐसे बनाते हैं। ये क्या रखा है? चाय रखा है अदरक वाली। तो ये जूस भी बहुत अच्छा जूस है हेयर के लिए स्पेशली, लेकिन इसके लिए भी मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको बताया कि मैं 5 दिन या 7 दिन बोलती हूँ लवली को ये बनाने के लिए, ये मैं रेगुलर नहीं पीती हूँ। इसका रीजन ये है कि मुझे पर्सनली जब मैं ये कंटिन्यूस पीती हूँ मुझे वीकनेस लगती है, फिर वो उससे डिटॉक्स बहुत ज्यादा हो रहा है या क्या होता है पता नहीं मुझे। बहुत स्ट्रांग है ये जो आपको जूस बताया, डेफिनेटली बहुत ज्यादा अच्छा है हेयर के लिए, लेकिन बिल्कुल कंटिन्यूस डेली नहीं पी सकते। और एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलूंगी कि बालों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है माइंडसेट। लाइक मैं पर्सनली बहुत हैप्पी पर्सन हूँ, मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा मेजर इसमें बहुत ज्यादा हाथ होता है इंसान के मेंटल स्टेटस का। अगर वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेता है, बहुत ज्यादा सोचता है, तो उसके बालों को सबसे पहले असर होता है। जैसे हम सुना भी होगा आपने कि बहुत स्ट्रेस था तो हेयर फॉल स्टार्ट हो गया, ये वो। तो बहुत ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिससे लोग इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते। आप कुछ भी लगा लो, कुछ भी खा लो, तो अगर आपको हेयर हेल्थ अच्छी चाहिए तो सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप बिल्कुल भी स्ट्रेस अवॉइड करो, नेगेटिव लोगों से दूर रहो, हॉबीज अपनी हॉबीज में बिजी रहो, सुबह की धूप लो। तो ये सारी चीजें बहुत इम्पॉर्टेंट है हेयर स्किन और पर्सनल वेलबींग के लिए, आई गेस। अच्छा, और मेरा आ गया है वॉफल। ये तो मैं ये एंजॉय करती हूँ अभी यहाँ बैठकर। वो देखो मेरी स्पैरोज भी कैसे खा रही है, एक मिनट दिखाती हूँ। तो हम ज्यादा डिस्टर्ब नहीं कर सकते, अगर आपको दिख रहा है तो। यूपी, ये है मेरा सबसे फेवरेट ग्लास नूडल्स। एंड सो आज दूसरा दिन है, कल बिल्कुल भी शूट, मतलब जितना बताया मैंने उतना ही शूट किया, कुछ ज्यादा कुछ शूट नहीं किया था। आज बाहर जा रहे हैं, आज सारा कुछ शूट करेंगे, घर पर भी आज सारा कुछ शूट करेंगे। अभी सिल्वर बटन अनबॉक्स करना है जो यूट्यूब से आया है मुझे, मतलब अनबॉक्स मैं कर चुकी हूँ क्योंकि शीतू ने बोला था कि तू कर ले, तो आदिश ने अनबॉक्स कर लिया था, मैंने उसे वीडियो कॉल किया था, लेकिन शीतू ने अब तक देखा, मतलब मैंने उसे हाथ में नहीं दिया है, अभी मैं उसे हाथ में दूंगी। मैंने खुद ने भी अभी 1 मंथ से ऊपर हो गया है, लेकिन मैंने उसे बिल्कुल भी कहीं पोस्ट नहीं किया, मैंने खुद भी नहीं उसे खोला है। तो अभी सिल्वर बटन को अनबॉक्स करेंगे, मतलब खोलेंगे, अनबॉक्स एक बार कर चुकी हूँ, इसलिए अनबॉक्स नहीं किया था क्योंकि ऑब्वियसली इसका कुछ भी क्रेडिट मुझे नहीं जाता है, 1% भी मुझे नहीं लगता है कि मुझे कोई भी क्रेडिट जाता है। इसका सारा क्रेडिट शीतल को जाता है, आदि को जाता है, मम्मी को जाता है। तो शीतू तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसकी वजह से मैंने आज मुझे ये मिला भी है, तो ऑब्वियसली उसका तो मैं वेट कर रही थी इसीलिए। तो अब वो आ गई है, तो अब हम लोग खोलेंगे। एंड मुझे थैंक यू बोलना है आप लोगों को भी, जब भी मुझे कोई मैसेजेस आते हैं इस तरीके से, जैसे आपके लिए मैं प्रे कर रही हूँ यहाँ पर, ये टेंपल में हूँ, या कुछ भी इस तरीके के मैसेजेस, तो मुझे लगता है मैं कितनी लकी हूँ जो सामने से, मतलब मुझसे मिले भी नहीं है, वो मेरे लिए इतना सब कुछ लिखते हैं अच्छा अच्छा तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट एंड लव। मेरा यूट्यूब बटन शीतू। अब तू खोल सकती है। ये वाओ, ये मेरी तारीफें लिखी हुई है। यस, एंड कैरीज वर्ल्ड। ये कैरीज वर्ल्ड वर्ल्ड है which includes you guys and us everyone. Yo! डिनर के लिए तो अभी बाहर जाने वाले हैं, और ये है थोड़ा हेल्दी सा लंच जो मैंने ऑर्डर कर लिया था, ये कुकीज है और साथ में है ये आइसक्रीम। तो आदिश भी आ गया है, MMA क्लास में गया था तो इसीलिए लेट हो गया, बट ये इसके लिए मैंने उसको बोला आ जा मेरे, मुझे थोड़ा व्लॉग में शूट करना है तुझे, बिकॉज आदिश बहुत मेजर रीजन है जिस वजह से मुझे ये मिला है। नहीं यार, सब आपका काम है राजा। मेरा काम, मतलब इसने मुझे इतना ज्यादा गाइड किया हर चीज में, मैं सच में बता रही हूँ ऐसे ही, बट आदिश ने मुझे पॉजिटिव नेगेटिव को छोड़कर कुछ एक अलग ही चीज इंट्रोड्यूस की है लाइफ में। तो मैं बोलती हूँ कि नहीं, जो भी मैं आज हूँ उसका बहुत ज्यादा मेजर पार्ट जैसे शीतू को जाता है तो आदिश को भी जाता है, तो इसीलिए मैंने बोला कि थैंक यू लव, मच अप्रिशिएट। अगर आप मुझे पर्सनली पूछो ना, मैं ऐसी थी कि मैं किसी से बात भी ज्यादा नहीं कर सकती थी,
मतलब मैं बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट भी नहीं बोलूंगी, मैं हमेशा से फ्रेंडली पर्सन रही हूँ, बट मैं एक मतलब प्राइवेट पर्सन कैसा होता in है your own world. हाँ, इन माई ओन वर्ल्ड. तो आई मीन नाउ यू आर स्टिल इन योर ओन वर्ल्ड, आई थिंक यू जस्ट एक्सपोज्ड योर वर्ल्ड. तो सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग बाहर निकल चुके. पहले मॉल में आए, यहाँ पे नेचर्स बास्केट से थोड़ी चीजें चाहिए थी, खास चीजें नहीं मिली. अब आए हैं फूड स्क्वायर. फ्रेंड का वेट कर रही हूँ मैं जो अभी आएगी. आ गई. हम लोग को अभी डिनर करने जाना है और हमें पता नहीं कि कहाँ जाना है. सब लोग अपना अपना बता रहे हैं, कोई बोल रहा है यहाँ चले, कोई बोल रहा है मीजो में चले, कोई क्या. अरे मेरा बात है, मैं डिसाइड करूंगी. अभी ढूंढ रही हूँ सब लोगों को कहाँ चले गए. आदि इससे पहले हम लोग मेचर्स बास्केट गए, अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं. तो ग्रोसरी शॉपिंग करनी है कि मेरा बर्थडे, और हम लोग ने ये भी डिसाइड नहीं किया कौन से रेस्टोरेंट में जाना है. सब अपना अपना बता रहे हैं, सब अपना अपना सब मम्मी और शीतल का काम है. शीतू तू कौन सा रेस्टोरेंट बोल रही है? फार्मर्स. फार्मर्स. मैं भी फार्मर्स. तू शीतू कौन सा रेस्टोरेंट जो बोला तुमने? चलो सेकंड पे चलो. जाउचा. जाउचा रिजेक्ट. तू चोर. मैं एक रेस्टोरेंट बोल रही हूं, फार्मर्स कर. फार्मर्स कैफे. आपने हमारा सुना, मम्मी को कहीं भी लेके जाओ. नहीं मुझे पसंद. ठीक है तो फिर मेजोरिटी फार्मर्स कैफे. चलो ये. और ये कोई बर्थडे में करता है? ये कर सकते हैं इसके बाद हम बर्थडे. केक बनाने के लिए जितना टाइम लगाना है ये सारा शुगर नहीं है किसी में भी. मैं कब से ढूंढ रही हूँ यार, तुम लोग क्या कर रहे हो? हम लोग टाइम लगा. चले आदि, लेट्स गो लेट्स गो. डोंट डू दिस. नहीं टाइम नहीं हो रहा है. आर आई एम हंग्री, बहुत भूख लगी है यार. चल चलो जाओ. ये बहुत क्यूट है. ये आमला हनी. आमला हनी. देन ये सॉसेस है ना. हाँ ये ना कब बनाई हुआ है. इतना छोटा सा. ये बॉडी लोशन है ना. हाँ ये पूरा स्टॉल ही अच्छा लग रहा है. नाइस. अच्छे से करो. देखो बंच ऑफ फ्रेश फ्लावर्स. घर जाकर मैं दिखाऊंगी कि हम लोग ने मॉल से वहाँ नेचर बास्केट से क्या लिया और यहाँ फूड स्क्वायर से क्या लिया. आगे कार आगे. तो ये सारी चीज़ें हम लोग ने ली. आपको बताया था स्टार्टिंग में जब हम मॉल गए थे नेचर्स बास्केट, वहाँ से ज़्यादा करके हम लोग हेल्दी और ऑर्गेनिक चीज़ें ही यूज़ करते हैं, क्योंकि बाहर हम लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं. घर में सारे फूड ही है और चॉकलेट्स भी बहुत खाते हैं, तो बहुत चॉकलेट्स है, बहुत वेराइटीज. राइस की है, नॉन अल्कोहलिक वाइन है. जब हम घर पर सेलिब्रेट करेंगे तब हम पियेंगे. ये हिमालयन एप्पल्स मेरी फेवरेट.
जो नेचर्स बास्केट से चीजें लाए थे वो अंदर रख दिया, और जो अभी फूड स्क्वायर में जाकर लाए थे वो दिखा देती हूँ। तो हम लोग जब पूरी फैमिली बैठकर घर पर कोई मूवी प्लान करती है तो बहुत सारे स्नैक्स खाते हैं हम लोग, इसलिए बहुत स्नैक्स ले लिए हैं। और ये कम्बुचास है जो नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक है, जो मेरी फेवरेट है, आप लोग को पता ही होगा। और ये पिकल है, बचपन में मेरी आंटीज ये वाले अचार ये वाले टेस्ट की बनाती थी, तो मुझे बहुत ही वो एक मेमोरीज है, इसलिए मैं हमेशा लेती हूँ। नेक्स्ट व्लॉग मेरा बहुत स्पेशल है, प्लीज मिस मत करना। और इस व्लॉग में क्या अच्छा लगा कमेंट करके बताना, एंड ऑल्सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।